आज से निकाल दो सारे गिले शिकवे, सारी रंजिशें दूर कर। तुम में न कोई अरबी, न कोई मक्की, न कोई मदनी, न कोई मुत्तलबी, न कोई तमीमी, न कोई हुजैली, न कोई फारसी, न कोई रूमी, न कोई हिंदी। तुम सब अल्लाह की रस्सी को थाम लो और एक दूसरे को गले लगाकर भाई बन जाओ। सबने एक दूसरे को गले लगाया भाई बन जाओ। उस वक्त मैं समझता हूँ जन्नती हूरें चिलमने खुल्द हटा हटा रुखसारे बेलाल की बलाएं ले रही होंगी। अरे जिस वक्त बेलाल हबशी को अबू बकर सिद्दीक ने गले लगाया हो, न वहां कोई गुलाम है, न कोई मौला है, न कोई आका है, सब मिल मुआखात चल रही है। मौला अली किनारे थे, आउटसाइड ऑफ मस्जिद। किसी सहाबी ने देखा वो रो रहे हैं तो भागता हुआ आया। हुजूर इन अली यबकी, अली रो रहे हैं। व्हाट डिड ही से? अली इज क्राइंग। सरकार ने फरमाया रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? रोने की वजह सहाबी को मालूम है लेकिन जवाब नहीं दे। हुजूर आप ही बोला क्या, पूछ लें क्यों रो रहे हैं। सहाबी कितने सच्चे थे, जितना देखते थे उतना ही बोलते थे। अपनी तरफ से नमक मिर्च नहीं लगाते थे, मसाला जैसे हम लोग लगाते हैं। जितना देखा उतना बोला का हुजूर रो रहे। बुलाओ मेरे भाई अली, तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे। वो अली जिनकी एक जुम्बिश से अंगुष्ट से उंगली की एक हरकत से बाबे खैबर थरथरा के उखड़ जाए। जब हुजूर ने बुलाया तो वो खुद थरथराते कांपते बिल्कुल शेक करते हुए आया। सरकार ने फरमाया मालिक का यार वलीमा तब की, क्या हुआ मेरे भाई क्यों रो रहे हैं। हजरत अली ने थरथराते लबों से अर्ज किया, सरकार मैं इसलिए रो रहा हूं कि आपने सबको बुलाया, गले मिलवाया, भाई बनाया। काश मैं भी आता किसी को गले लगाता, भाई बनाता। आपने मुझे इस लायक नहीं समझा, किनारे कर दिया, मैं रो रहा। इतना सुनना था सरकार ने कांधे पे हाथ रखा अली, फरमाया अली सुन, मैंने सबको बुलाया, गले मिलवाया, भाई बनवाया, तुझे नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि अखर तो कले नफसी, मैंने तुझे अपने लिए बचाया था। I saved you for myself, मैंने तुझे अपने लिए बचाए रखा था। मैंने सोचा सब एक दूसरे से गले मिल जाए, भाई बन जाए, फिर मैं तुझे बुलाऊं, गले लगाऊं, अपना भाई बनाऊं। ऐ अली सुन, इन सब को तवज्जो चाहूंगा, इन सब को मैंने जमीन के ऊपर आसमान के नीचे भाई बनाया है भाई, मगर तू तू तो तेरा ऐसा भाई है कि अल्लाही फिर दुनिया वल आखिरा, तू यहां भी मेरा भाई, वहां भी मेरा थक, थक, दोनों के दादा एक है, सगे चचेरे भाई। क्या है सबको सब पता है ना? दामाद तो बात करता था पहले, क्या है भाई? अब दोनों में बड़े कौन है? बड़े कौन है यार? आसान सवाल कर रहा हूँ, लाइव हो रहा है, कम से कम जवाब तो दो। लोग सोचेंगे क्लिस्टर के लोग कैसे बड़े कौन? हुजूर बड़े। तो अली छोटे भाई हैं। अच्छा अली किसके छोटे भाई हैं? नबी के। तो फिर नबी किसके बड़े भाई हैं? अली। अब जुमला दे रहा हूं, पसंद आ जाए तो दुआ दे। नबी नबी इज द एल्डर ब्रदर ऑफ अली। अली के बड़े भाई हैं। किसके जोर से बोलो? अली के बड़े भाई हैं। अरे इन जाहिलों को समझा जो नबी को अपना बड़ा भाई कहते हैं, इनसे कहो नादानो, अरे बड़ा भाई कहने का हक मेरे नबी ने अली के सिवा किसी को नहीं दिया। एक जुमला लखनवी लहजे का आ गया, अल्लाह करे ये भी उतर जाए दिल में कि जब बड़ा भाई कहने का हक। देखे कितने लोग समझ रहे हैं, हक मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक को न दिया तो किसी जमात के जिंदीक को क्या देंगे? अब तो समझ जाओ अली का मसला क्लियर।
कि जो अली का है वही नबी का है, जो नबी का है वही अली। दामने अली से वाबस्ता हो और पक्के हसनी हुसैनी सुन्नी बन जाओ, पक्के हसनी हुसैनी सुन्नी बन जाओ, डंके की चोट पर बन जाओ, क्योंकि अली भी अल्लाह की रस्सी। अब आइए कदम में और आगे बढ़ो। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला छोड़ दिया, छोड़ दिया, कासिम नानोतवी से छूट गई, खलील अहमद से छूट गई, इस्माइल दहलवी से छूट गई, मगर रजा ने ऐसा पकड़ा कि खुद पकड़ा ही नहीं लाखों को पकड़ा दिया। और ये कहा कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के।